Hello everyone, welcome again in business studies class. In today's class we are going to start our next unit, that is staffing. यानी स्टाफिंग हमारी जो यूनिट है दैट इज़ यूनिट नंबर 6 बेटा. यानी हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो सबसे पहली हमने मैंने आपको एक बात बताई थी दैट इज़ हम जो बुक करते हैं बेटा वो क्या है आपकी मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही आपको बताया मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ किसी के लिए टू अचीव ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये जो पांच मेन फंक्शंस हैं दीज आर 5 यूनिट्स. हम इन पांच में से 2 फंक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ प्लानिंग. आफ्टर प्लानिंग वी हैव कवर्ड ऑर्गेनाइजिंग. देखो प्लानिंग में हमने ये सेट किया व्हाट इज़ द टारगेट एंड हाउ टू अचीविंग द टारगेट, व्हाट आर द स्टेप टू अचीव दीज टारगेट वी सेट वी प्लान इन प्लानिंग. आफ्टर प्लानिंग हमें जो आपकी प्रीमिसेस थी जो उसको डेवलप करना था बेटा, उसके बाद जो हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने थे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आपकी फिजिकल्स आपके जो प्रीमिसेस हैं बेटा आपकी ह्यूमन प्रीमिसेस हैं, इन सब के बारे में जो अपने ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया बेटा अज्यूम किया. आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर अब उसके बाद हमें वी नीड ह्यूमन बींग टू वर्क. हमें अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग को काम करने के लिए बेटा यानी मैनेजमेंट को बनाने के लिए वी नीड पर्सन. और उसी आप पर्सन से रिलेटेड उसी ह्यूमन बींग से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का दैट इज़ स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब नाम से बेटा स्टाफ. हम जैसे अपनी लेवल स्कूल में भी आप लोगों को पता है बेटा स्टाफ स्टाफ का मतलब क्या है. टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो सारे हमारे स्टाफ के अंदर आता है. स्टाफिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस टू फिल द वैकेंट पोस्ट. यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिपार्टमेंट बनाए. डिपार्टमेंट मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक किसी भी फॉर्म में देर आर 4 डिपार्टमेंट. प्लानिंग है, फाइनेंसिंग है, HR डिपार्टमेंट है बेटा, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ईच डिपार्टमेंट नीड 10 पर्सन एंड 1 मैनेजर. इट मीन्स नियर अबाउट 45 जो पर्सन है वी नीड. इसी 45 पर्सन की जो रिक्रूटमेंट है यानी जो मैं आपको बता रही बेटा ह्यूमन बींग की रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, आपकी प्रमोशन है, ये सारे जो फंक्शन है ये आपके किस में इंक्लूड होंगे बेटा स्टाफिंग यूनिट के अंदर. यानी स्टाफिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिलिंग और कीपिंग द पोस्ट विद पीपल. यानी हमें जो हमारी वैकेंट पोस्ट क्रिएट हुई हैं आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग उनको किससे, एक कॉम्पिटेड पर्सन से, पर्सनल से, ह्यूमन बीइंग से फिल करना हमारी क्या कहलाती है बेटा आपकी स्टाफिंग होती है. यानी स्टाफिंग का मतलब भी क्या है, स्टाफिंग इज रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और आपकी क्या करना है बेटा प्लेसमेंट ऑफ किसी को पर्सनल डिपार्टमेंट इज कॉल्ड स्टाफिंग. स्टाफिंग की इसी डेफिनेशन से दीज आर द फीचर्स. ये जो फीचर्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, फर्स्ट है ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है बेटा ह्यूमन बींग से. यानी ह्यूमन बींग का अभी तक आपने जो प्लानिंग काम किया उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा, अब आगे भी हम कंट्रोलिंग और करेंगे. दीज आर द मेंटली वर्क और दीज आर द फिजिकली वर्क. बट जो स्टाफिंग है ये डायरेक्टली हम डील किससे कर रहे हैं, ह्यूमन बींग के इंटरव्यू से, सेलेक्शन प्रोसेस से, ठीक है, आपकी प्रमोशन से. ये जो फंक्शन है दिस डायरेक्टली रिलेटेड विद ह्यूमन बींग. यानी हम इस काम ये काम क्या है बेटा आपका ह्यूमन बींग से हमारी क्या बेटा इंटरेक्शंस का जो है दैट इज ए स्टाफिंग वर्क. सेकेंड फीचर्स क्या बेटा, ये मैनेजमेंट का स्टाफिंग दिस इज़ नॉट ए टाइप्स और सब कैटेगरीज ऑफ अदर जो आपके टॉप मैंने कहा प्लानिंग का एक पार्ट है, आपका ऑर्गेनाइजिंग का एक डिपार्टमेंटलाइजिंग का एक पार्ट है. नो, स्टाफिंग इज़ ए मेजर सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. स्टाफिंग आज पहले क्या होता था बेटा, ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल्स की नहीं होती थी तो हमें स्टाफिंग का जो एक पर्सनल डिपार्टमेंट एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट से भी काम हो जाता था हमारा. बट टूडेज वर्ल्ड हमारा जो है बेटा इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव और लार्ज लेवल पे काम होता है तो स्टाफिंग एक सेपरेट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. यहाँ तक कि अब तो हमारे एक मैनेजमेंट की ब्रांच हो गई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो पूरी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है. तो स्टाफिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन है. एसेंशियल हमें स्टाफ की रिक्वायर नॉट ओनली लोअर लेवल और अपर लेवल, वी नीड स्टाफ एट ऑल, चाहे वो हमारा टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है बेटा, चाहे वो लोअर लेवल है. हमें मैनेजर्स भी चाहिए, सबॉर्डिनेट्स भी चाहिए, डायरेक्टर्स भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए. तो ये जो काम है बेटा ये सभी लेवल्स पे रिक्वायरमेंट है. रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग जो काम है ना, यानी लोगों को एम्प्लॉय देना, लोगों को रोजगार देना, क्या है उस बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं किसी काम को, किसी फैक्ट्री को चला रही हूँ, तो लोगों को जो मेरी रिक्रूट कर रही हूँ बेटा, सेलेक्ट कर रही हूँ, दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी क्या काउंट होगी बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, किसी को लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हो, तो आप अपने बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स बनते हैं उसको फुलफिल करते हो। देन लास्ट वन, दैट इज हमारा जो स्टाफिंग है बेटा, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। एक्सटर्नल का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ट्रेन करती है, एजुकेशन सिस्टम हमारा है, गवर्नमेंट के नए नए प्रोग्राम्स होते हैं, जो GDP की कितना परसेंट हमारे स्किल्ड पे और ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा। इंटरनल का मतलब अगर कॉम्पिटिटिव पर्सन है, हम आप क्या करें, प्रमोशन के थ्रू हमारे ऑलरेडी जो इम्प्लॉइज हैं उन्हीं को प्रमोट करके हम स्टाफ रखते हैं, या फिर नया स्टाफ बाहर से लेकर आते हैं, दीज आर ऑल पॉइंट्स डायरेक्टली अफेक्ट द स्टाफिंग प्रोसेस। तो ये कहता है कि जो स्टाफिंग है, इट अफेक्ट बोथ इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आफ्टर द फीचर्स बेटा, हम क्या करेंगे, वी स्टडी अबाउट द व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्यों इतना स्टाफिंग को हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्टाफ फिल करना है। मैंने आप कहा स्टाफिंग इज ए वाइड वर्ड, इसमें रिक्रूटमेंट से लेकर सेलेक्शन, ट्रेनिंग आपका, इसके बाद बेटा डेवलपमेंट, प्लेसमेंट आपकी, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स की जो भी हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह, ये सारे काम स्टाफिंग में आते हैं। तो ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी क्या हेल्प करते हैं, सबसे पहला है इट हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सनल। यानी आपको स्टाफिंग, अगर आप सही से प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का सही तरीका, सही मैथड यूज़ करते हैं, तो यू आर एबल टू फाइंड आउट कॉम्पिटेड पर्सन। आज के टाइम पे जो स्टाफ, जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के टाइम पे यू नीड स्किल्ड पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन। और स्टाफिंग जो सही प्रोसेस अगर आपकी सही होती है, तो यू आर एबल टू फाइंड आउट द कॉम्पिटेड पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल का मतलब है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। आप सही कॉम्पिटेड एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने में आप क्या रहेंगे बेटा, कैपेबल रहेंगे, अगर आप स्टाफिंग प्रोसेस को सही से आप क्या करते हो बेटा, कंपीट करते हो। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस स्टाफिंग से कैसे होती है, मैंने कहा नॉट ओनली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ये हमारी क्या हेल्प करती है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है और जो न्यू स्टाफ है उसको भी बेटर परफॉर्मेंस में, उनको मोटिवेट करने में हेल्प करती है। क्योंकि जब मान लो आप प्रमोशन से अगर आप स्टाफ फिल कर रहे हो, तो एक क्लर्क था उसको आपने एज ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी, तो उसकी परफॉर्मेंस को क्या बेटर करने में आप क्या रहेंगे बेटा, कैपेबल रहेंगे। नाउ ही इज़ ए डिसीजन मेकर पर्सन। तो हमारी किसमें हेल्प करता है बेटा, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू सर्वाइवल और ग्रोथ अगर करनी बेटा, तो स्टाफिंग पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइज और प्लान से काम नहीं चलेगा, वी नीड ए स्किल्ड एंड कॉम्पिटेटिव पर्सन, वी नीड स्टाफ, एक तो क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव स्टाफ टू फुलफिल और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म। क्योंकि तभी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं जब हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव स्टाफ होता है। देन हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में, उसको अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, तो जैसे स्टाफ तो रख लिया ना आप, उसे वर्क, कोई वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अगर ये काम नहीं करते उठा, तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम रेगुलरली आपके सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस आप देते रहते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप मैक्सिमम यूज़ कर सकें और उससे हम अपने गोल को अचीव करने में हेल्प ले सकें। लास्ट वन, दैट इज हेल्पफुल इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। मोरल होता है बेटा मनोबल, यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, यानी हाँ आपकी अगर इंटरनल आप प्रमोशन देते हो, उनकी जॉब अप्रेजल करते हो, उनको कंपनसेशन इनिशिएटिव्स देते हो बेटा, तो आपके जो स्टाफ है उनका मोरल, उनका मनोबल, मोटिवेशनल पावर इंक्रीज होती है। और ये किसमें इंक्लूड है बेटा, स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द स्टाफ। स्टाफिंग इज़ कैपेबल टू मोटिवेट द स्टाफ। और ये कैसे होता है, बाय गिविंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द इम्पोर्टेंस विच इंक्लूड डायरेक्टली द स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग क्या है बेटा, स्टाफिंग एक आपका मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन है, जिससे हम क्या करते हैं बेटा, आपकी कॉम्पिटिटिव स्टाफ को ढूंढने में हमारी हेल्प। इट इज़ ए प्रोसेस टू फाइंड आउट द कॉम्पिटिटिव पर्सनल स्टाफ।
देन स्टार्ट दिस यूनिट विद द मेक ए नोट्स.